पहले मेरे राज्य में आपका बहुत बहुत आगमन एंड वेलकम। मैं बहुत आभारी हूँ, आपका भी आभारी हूँ, पूरे बंगाल का आभारी हूँ। और मेरे जीवन की शुरुआत में बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज मुझे माँ के चरणों में जाकर के यहाँ पर आशीर्वाद लेने का मौका मिला तो मेरे लिए शुभ अवसर है। प्रधानमंत्री जी, सुबह से तृणमूल का कहना है कि आप आउटसाइडर हो, बीजेपी का कहना है कि बंगालर मोने रोदी, हमारे मन में प्रधानमंत्री हैं। आप अपने आप को आउटसाइडर तो नहीं समझते हो, आपका जवाब क्या होगा तृणमूल कांग्रेस को? ऐसा है कि शायद कुछ लोगों की इतनी बैंक्रप्सी है कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ नहीं पा रहे हैं, आइडियोलॉजी पर, विजन पर, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पर, उस पर कोई बात करें तो उसका एक वैल्यू है। जब वो कुछ नहीं होता है तो फिर ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो किसी भी देशवासी को अपमानित करती है और उनको अंदाज नहीं है इसका नुकसान देश में बंगाली समाज को भी होता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। इस देश का किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, उसके प्रति हमारा वही भाव होना चाहिए। और वैसे तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, तो हमें ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी, मैं संदेश काली से हाल ही में होके आई हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ सहमे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि वोट से शायद उनको वो मौका मिलेगा बोलने का। आप नारी शक्ति पे बहुत जोर डालते हैं, संदेश खाली को लेके आपको क्या कहना है? मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं संदेश खाली के उन सभी बहनों का चरण स्पर्श करता हूँ। तो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की चिंता नहीं की, क्या परिणाम हो गए उसकी चिंता नहीं की, और वो इतने बड़े भयंकर षड्यंत्र को उन्होंने लोगों के सामने उजागर किया। मैंने आज मेरी एक सभा थी तो बहन रेखा पात्रा जी हमारी उम्मीदवार है, मैंने उसका भाषण सुना, मैं आश्चर्यचकित था जी। क्या एनर्जी थी, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या फ्लो था। शायद टीएमसी के पास रेखा पात्रा जैसा भी एक ऑरेटर नहीं होगा। झुग्गी झोंपड़ी में पली हुई है, मतलब वो भीतर से उसके दिल की आवाज बोल रही थी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हमने दो दिशाओं में काम किया है। एक, नारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानूनी, जैसे हमने रैप के मामले में फांसी की सजा, उस दिशा में हम लोग गए हैं। उसी प्रकार से हमने आरक्षण की व्यवस्था की महिलाओं के लिए, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने घर की मालकिन महिलाओं को बनाया, तो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एक तरफ वो काम है। दूसरी तरफ हम देश में एक वातावरण, आपको मालूम होगा लाल किले पर तो मेरा पहला भाषण था, मैं बिल्कुल नया था और मैंने एक सवाल पूछा, कोई मुझे बताए कि बेटी अगर शाम को आने से देर हो जाए तो पूरा परिवार पूछता है कहाँ गई थी, क्यों देर से आई, क्या कर रही थी। लेकिन बेटा अगर रात को 11 बजे भी आ जाए तो माँ पूछती, बेटा खाना खाया ना, ये क्यों? ये लाल किले से मैंने बोला था, क्योंकि मैं मानता हूँ हमारी सामाजिक मनस्थिति में भी ये बदलाव लाना जरूरी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि बंगाल की महिलाओं के मन में ये जो एक असुरक्षा का भाव है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस दिशा में कानून का उपयोग, स्टेट गवर्नमेंट को समझा करके या डायरेक्ट अफसरों से बात करके कोई न कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। बांग्ला विरोधी मोदी भी आपको कहा जाता है, मैं बात कर रही हूँ ओबीसी कोलकाता हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर आपको क्या कहना है ममता बनर्जी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये किसी के विरोध में नहीं है। भारत की संविधान सभा ने आरक्षण किसको मिले उसकी बड़ी चर्चा की थी, और भारत के बाबा साहब अम्बेडकर कहो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू कहो, पंडित नेहरू कहो, सब ने सहमति से तय किया
कि धर्म के आधार पर एक बार देश बंट गया, अब धर्म के आधार पर देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए, और उसी में से आया धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को आरक्षण वोट बैंक के लिए, राहुल गांधी भी यही कहते हैं, ये आंध्र ने भी किया, कर्नाटका ने किया, लेकिन अदालतों ने इसको मना कर दिया, बयान नहीं कर सकते। तो इन्होंने पिछले दरवाजे से रातों रात मुस्लिम समाज के अलग अलग समुदायों को ओबीसी बना दिया, और ओबीसी का जो हक था उसको लूट लिया, डाका डाल दिया। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट का आभारी हूँ कि चर्चा चल रही थी लेकिन कोई इस पर थप्पा नहीं मार पा रहा, जुडिशरी ने ये सारे पाप को उजागर कर दिया है, और इसके कारण देश में एक जो चर्चा पॉलिटिकल लगती थी वो पॉलिटिकल चर्चा नहीं थी, लोगों के अधिकारों की चर्चा थी, और उसको एक बहुत बड़ा बल मिला है। और इसके कारण बौखला करके अदालत को गाली देना, जजिस को गाली देना, ये तरीका शोभा नहीं देता है। रामदेव जी, मैं ज़्यादा सब टाइम आपका नहीं लूँगी, मैं जानती हूँ आप बहुत, एक सवाल और पूछूंगी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शुभेंदु जी अक्सर हमें बोलते थे नौकरियों की, गूगल अमेजोन जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ दुकान नहीं खोलना चाहते, बहुत युवाओं ने मुझे ये कहा है। आपका एक सपना है, आपने कहा एक इंटरव्यू में कि तीसरे कार्यकाल में आप इन पे जोर देंगे, बंगाल के लड़कों के और लड़कियों के लिए क्या सपना? देखिए, हिंदुस्तान का इतिहास, पूरे देश को बंगाल ने लीडरशिप दी है, देश की इकोनॉमी को बंगाल ड्राइव करता था, अंग्रेजों का भी मुंह में पानी छूट गया था कोलकाता को लेकर के, पूरी दुनिया पागल होकर के कोलकाता आना चाहती थी। ये महान विरासत है, इस यहाँ के लोगों की टैलेंट, यहाँ के लोगों का सामर्थ्य, यहाँ की भूमि की ताकत, इतनी पैदावार भूमि है, यहाँ के मिनरल्स, यानी एक प्रकार से समृद्धि का भंडार है। लेकिन इन्वेस्टर्स भाग गए क्योंकि पहले लाल झंडे वालों ने बर्बाद करके रख दिया, छुट्टियां, हर दिन हड़ताल, हर दिन हड़ताल, इन्होंने आकर के उसी मॉडल को ले लिया, और इन्होंने तो शुरुआत की, कोई इंडस्ट्री ना आए इसकी लड़ाइयाँ लड़ी। आज एक तरफ आपने इंडस्ट्रियों को भगाया, अब इन्वेस्टर सबमिट कर रही हो तो किसी के गले नहीं उतरता है कि घर आई हुई इंडस्ट्री को आपने लात मार करके भगा दिया, अब आप इन्वेस्टर सबमिट का नाटक करोगी तो कौन आएगा? आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्यों? उन्होंने सुरक्षा का प्रबंध किया, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी का प्रबंध किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मोबिलाइज किया। उत्तर प्रदेश जहां पहले आने से लोग डरते थे, आज पूरी कतार खड़ी हो गई है, ये मैं बंगाल में भी देख सकता हूं। सिर्फ 5 साल के भीतर भीतर एक बार यहां की सरकार अपनी आदतें बदले, दुनिया यहां आने को तैयार है। वायलेंस का डर है यहां पे, पोस्टपोल वायलेंस, इसलिए मैं कहता हूं सुरक्षा, सुरक्षा बहुत बड़ी बात है, वरना कोई नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।